तो दोस्तों आज लगभग 8-10 दिन हो गए हैं ये प्रूनिंग हमने की थी, और आप रिजल्ट देखिए प्रूनिंग का कि जो ग्रोथ है प्लांट में वो कितनी अच्छी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जैविक वाटिका में। और आज का हमारा एक खास वीडियो है रोज़ की कटिंग के बारे में, रोज़ की प्रूनिंग के बारे में, हार्ड प्रूनिंग के बारे में, क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है वो अक्टूबर का है। और आप सब तो जानते ही हैं कि अक्टूबर का जो महीना होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है गुलाब की प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग करने के लिए। इस महीने में मौसम जो है वो बिल्कुल स्थिर होता है कि ना तो ज़्यादा ठंड का मौसम होता है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। हल्की हल्की सी सर्दी, हल्की हल्की गर्मी, दोनों तरह का बराबर का मौसम बना रहता है। तो इस महीने में गुलाब की खास तौर पे प्रूनिंग की जाती है। और ये हमारे आप जो रोज़ देख रहे हैं ये सारे इंग्लिश रोज़ हैं, अलग अलग तरह के इनके कलर्स हैं और सारे ही कलर्स काफ़ी सुंदर हैं। आप देख भी रहे होंगे, ये देखिए इन पर बर्ड्स भी आई हुई हैं और बर्ड्स भी काफ़ी आई हुई हैं। लेकिन फिर भी हम क्यों प्रूनिंग की बात कर रहे हैं? प्रूनिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि उसके कई सारे फायदे हैं। एक तो आप ये जो हमारे पौधे देख रहे हैं गुलाब के, ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अगर इन पर अब कोई फूल आते हैं तो उनका साइज इतना बड़ा नहीं रहता है, साइज थोड़ा छोटा रहता है। तो पहला फ़ायदा तो यही है प्रूनिंग का कि फूल का जो साइज है वो बड़ा होता है। प्रूनिंग करने के बाद नई नई ग्रोथ निकल के जो आती हैं उसमें एक मैं आपको रोज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी भी रोज़ आए हुए हैं, ये वाइट वाले रोज़ हैं, इस पर आए हुए हैं अभी भी, लेकिन साइज थोड़ा छोटा है जैसे कि हम बात कर रहे थे। तो पहला फ़ायदा तो ये मैंने बताया, जो फूलों का साइज है वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि नई नई ग्रोथ निकलेगी और नई नई ग्रोथ के बाद फूल ज़्यादा आएंगे। अभी फूल इतने नहीं हैं, इसकी जब प्रूनिंग हो जाएगी, नई ब्रांचेज इसमें से निकलेंगी तो फूलों की जो मात्रा है वो पौधे पर ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी तरह से यही कुछ फ़ायदे हैं प्रूनिंग के। और आज मैं भी अपने जो पौधे हैं उनकी प्रूनिंग करने जा रहा हूँ। प्रूनिंग करने के लिए क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले जो है आपका जो कटर है या प्रूनर है जिससे आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है, ये देखिए ये साफ होना चाहिए। और मैंने भी इसको अभी रेत से साफ किया है और उसके बाद इसको सैनिटाइज भी किया है। तो आपके पास अगर कोई पुराना है, जंग जिस पर लग गया है, तो उसको भी आप साफ कर सकते हैं। तो पहला तो यही है कि इसको साफ रखें आप। और दूसरा, जो प्रूनिंग आपने करनी है हार्ड प्रूनिंग, उसमें आपको जो कट लगाना है उस कट का भी एक बहुत बड़ा महत्व है ग्रोथ में और काफ़ी सारी चीज़ों में। तो जो आपको कट लगाना है उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री इस तरह से रहेगा, ना कि इस तरह से। सीधा कट नहीं लगाना है, कट जो रहेगा वो हमारा हमेशा 45 एंगल पे रहेगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो आपकी ये नीचे स्टेम है, इससे ऊपर, क्योंकि इंग्लिश रोज में ग्राफ्टिंग होती है, तो इससे ऊपर की जो ब्रांचेज ये निकली हुई हैं इनसे ही नई नई ग्रोथ आएगी। तो इसमें थोड़ा ध्यान ये भी रखें, जो 2-3 नोड हैं उनको छोड़ के ज़रूर चलें ताकि उनमें से एक नई ब्रांचेज निकलें और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाए। तो ये कट हम ऐसे 45 पे लगाएंगे और इस तरह से शार्प, शार्प जो आपका ब्लेड है या कटर है उससे 45 का कट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये एकदम कट इसमें लग गया है। और इसी तरह से करके ही हमने सारी जो अपनी ब्रांचेज हैं उनको कट कर देना है, ये देखिए। मैं शार्प प्रूनर की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे क्या होगा, अच्छी तरह से कट जो है वो लगेगा हमारा और जो नई ग्रोथ है वो अच्छी निकलेगी। तो इसी तरह से करके हमने सारी जो प्रूनिंग है
वो कर देनी है। आप चाहे प्रूनिंग हार्ड करें चाहे हार्ड ना करें, कई बारी हम ऊपर से भी थोड़ा सा प्रून कर देते हैं, लेकिन मैं जो मेरे पौधे हैं वो ज़्यादा घने हो गए हैं, ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो इसके लिए मैं हार्ड प्रूनिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी जानकारी थी प्रूनिंग पर, और ये आप देख भी सकते हैं ये अब प्रूनिंग हो चुकी है। इस तरह से आप अपने पौधे को नया बना सकते हैं। अब इसमें दूसरा काम है, हमने जो इसका जो सरफेस है चारों तरफ का, इसमें अलग अलग तरह के जो इसमें आप पत्ते देख रहे हैं या घास फूस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ये इस तरह से उगी हुई हैं, इनको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि अब इसको पोषण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि नई नई ग्रोथ इसमें आएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने इसमें जितने भी पत्ते पड़े हुए हैं उन सबको हटा देना है, और पत्ते हटाने के बाद सारे पत्ते हमने साफ कर लिए हैं। इसके बाद आपको हल्के हल्के हाथों से हल्की हल्की सी इसकी गुड़ाई कर देनी है। ये देखिए इस तरह से हम एक खुरपी से इसकी गुड़ाई कर देंगे और इस गमले की जो मिट्टी है उसको ढीली कर देंगे। तो इस तरह से ये हल्के हाथों से गुड़ाई हमने कर ली है और मिट्टी को ढीला कर लिया है। इसके बाद ये मैंने गाय के गोबर की पुरानी खाद ली है, लगभग 2 साल पुरानी ये खाद है, और इसको हमने लगभग 2 मुट्ठी के आसपास इस जो हमारा गमला है रोज का, इसमें हमने 2 मुट्ठी के आसपास इसको दे देना है। और देने के बाद जो मिट्टी है उसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। और अभी चूंकि हमारी जो मिट्टी है गमले की वो थोड़ी ढीली है, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं है, सूखी नहीं है ज़्यादा, तो पानी मैं आज नहीं दूंगा इसमें, लगभग 1-2 दिन के बाद इसमें पानी दूंगा। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी हो तो आप तुरंत पानी दे सकते हैं। तो यही सारी जानकारी थी इस वीडियो में कि आप अपने रोज़ को कैसे प्रून कर सकते हैं और अच्छी अच्छी ग्रोथ आप उस पर पा सकते हैं, ताकि जो फूल आएंगे वो अच्छे आएंगे, उनका साइज़ अच्छा होगा, उनमें खुशबू अच्छी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, नमस्कार। तो दोस्तों आज लगभग 8-10 दिन हो गए हैं ये प्रूनिंग हमने की थी, और आप रिजल्ट देखिए प्रूनिंग का, कि जो ग्रोथ है प्लांट में वो कितनी अच्छी चल रही है, और काफ़ी सारी इसमें नई नई ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए और इधर भी देखिए। तो इस तरह से इसकी ग्रोथ अब स्टार्ट हो गई है, और इसमें जो फ्लावरिंग होगी आगे वो काफ़ी अच्छी होगी, और मैं उसकी पूरी अपडेट आपको देता रहूँगा टाइम टाइम पर। इसमें भी देखिए दूसरा प्लांट है, इसमें भी इतनी सारी ब्रांचेज निकलनी शुरू हो गई है, इसमें एक तरह से फूट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से शुरू हो गई। सारे के जितने भी प्लांट हैं मेरे सारे ही, ये देखिए और इधर भी देखिए, लगभग 8-10 प्लांट हैं, सारे के सारे मैंने हार्ड प्रून किए थे, और सारी ही ग्रोथ सभी प्लांट्स की वो काफ़ी अच्छी निकल के आई है। और ये देखिए ये भी प्लांट है, इसमें से भी नई नई ब्रांचेस और निकल गई हैं। तो ये अपडेट वीडियो था, आगे और जितनी इसमें अपडेट होगी, नई नई ब्रांचेस बड़ी होंगी, फ्लावरिंग आएंगी, वो सारी अपडेट मैं टाइम टाइम से देता रहूँगा। और इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना है, किस तरह से आगे देखभाल करनी है, उस पर भी आगे वीडियो आएगी। तो आप चैनल पर बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।